नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में 5 नवंबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले 2020 की सभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट को हमने कवर कर लिया है। और हमारी जो मैथ की सीरीज चल रही है, इसमें हम सबसे पहले परसेंटेज टॉपिक को कवर कर रहे हैं और इसकी 3 क्लास अपलोड हो गई हैं। और इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा, उस लिंक पर जाकर आप इन सभी वीडियो को कवर कर लीजिए। तो चलो अब आज के करंट अफेयर कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, किस शहर में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल शुरू की गई है, बताइए लखनऊ, देहरादून, पटना या पंचकुला। देहरादून, देहरादून का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने इस पहल को लॉन्च किया है। नाम क्या है? प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। नाम से ही जाहिर होता है इसके दो फायदे हैं, एक तो COVID-19 का जो प्रसार है इसको रोका जाए, और दूसरा जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है इसको रोका जाए। इसमें क्या होगा, जो लोग प्लास्टिक को कलेक्ट करेंगे और फिर इसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को देंगे, उसके बदले में ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो फेस मास्क हैं उनको देगा, एक्सचेंज करेगा एक तरीके से, ये मान लीजिए। और इसमें अभी तक ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है इसके द्वारा 5,000 मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। और म्यूनिसिपल कमिश्नर जो हैं विनय शंकर पांडे, इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि इसके माध्यम से क्या फ़ायदा होगा, एक तो जो मास्क की इम्पोर्टेंस है ये बताई जाएगी, और जो प्लास्टिक वेस्ट के अगेंस्ट जो फाइट है उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट की जा सकेगी। तो याद रखेगा, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ, इस पहल को देहरादून के द्वारा लॉन्च किया गया है, देहरादून म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। अब ये जो देहरादून है ये कहाँ पर स्थित है, ये है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रही आपके सामने। देखो ये सिर्फ पढ़ना ही है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका फिर नोट्स बना लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओडिशा विधानसभा किस राज्य की ई विधानसभा के मॉडल के बाद कागज रहित होने के लिए तैयार है? देखो हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है ये पूरी तरीके से पेपरलेस है। अब इसी मॉडल पर ओडिशा की जो विधानसभा है इन्होंने ये फैसला लिया है कि अभी जो विंटर सेशन होगा इसके खत्म होने के बाद ओडिशा की विधानसभा अपने आप को पूरी तरीके से पेपरलेस बना देगी। मतलब वहां पर जो भी काम होगा वो ऑनलाइन होगा, कोई भी हार्ड फाइल नहीं होगी। इससे क्या होगा, लाखों रुपए का खर्चा बचेगा और पेपर भी बचेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, हिमाचल प्रदेश। अब इस क्वेश्चन में ओडिशा और हिमाचल प्रदेश दोनों की बात हुई है, तो दोनों राज्यों के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। पहले ओडिशा के बारे में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हिमाचल प्रदेश देखते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ओडिशा और हिमाचल प्रदेश इन दोनों के बारे में आप स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स बना लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने 10 से 30 नवंबर 2020 तक राज्य में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? देखो फायर क्रैकर्स जो होते हैं इनसे टॉक्सिक गैस निकलती हैं, कौन कौन सी, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इनका जो रेस्पिरेटरी हेल्थ पर फर्क पड़ता है, इम्पैक्ट होता है, ये नेगेटिव होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए ओडिशा की जो सरकार है उन्होंने ये फैसला लिया है कि 10 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक वहाँ पर पटाखों की बिक्री और उपयोग दोनों पर प्रतिबंध रहेगा। अब बात हुई है इसमें ओडिशा की, तो ओडिशा के बारे में अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पूरी इन्फॉर्मेशन देख ली है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, सिक्किम। देखो केरला की जो सरकार है ना उन्होंने इस देश की पहली सोलर पावर ट्रेन को स्टार्ट किया है। इसका मकसद क्या है, टूरिस्ट को बढ़ावा करना, मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन। देखो आपने इस एक मॉडल समझते हैं, जैसे ये नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क में जब टूरिस्ट विजिट करते हैं तो ये जो नेशनल पार्क का जो मैनेजमेंट है ये पूरा वहाँ पर गाड़ियों की सहायता से, जैसे जीप मान लीजिए या मिनी बस मान लीजिए, इनके माध्यम से टूरिस्ट को पूरे नेशनल पार्क में विजिट कराता है। उसी मॉडल पर अब जो वहाँ का ये केरला में जो तिरुवनंतपुरम है वहाँ पर एक विलेज है, क्या है, मतलब ये टूरिस्ट प्लेस है। क्या नाम है उस टूरिस्ट प्लेस का? इसका नाम है वैली टूरिस्ट विलेज, ये तिरुवनंतपुरम में है। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर जो है इसकी सुंदरता है, जब टूरिस्ट यहाँ पर विजिट करेंगे तो इस गाड़ी के माध्यम से, ये जो ट्रेन है इसके माध्यम से इस पूरी सुंदरता को वो देख सकेंगे, और इस ट्रेन में एक बार में 45 पर्संस ट्रैवल कर सकेंगे। इतना आप जान लीजिए, पूरा इसमें 10 करोड़ का इसमें खर्चा आएगा, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है। तो समझ गए ना केरला का मकसद क्या है, केरला सरकार का मकसद है टूरिस्ट को अट्रैक्शन करना अपनी तरफ।
और ये जो वैली टूरिस्ट विलेज है ये पूछा जा सकता है ये कहाँ पर है, तो ये केरला के तिरुवनंतपुरम में है। और इसमें नाम से समझ गए आप, इसमें 45 लोग एक बार में सफर कर सकेंगे, तो इसमें सिर्फ 3 बोगी होंगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये इको फ्रेंडली है। अब बात हुई है केरला की, तो केरला के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रही आपके सामने, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके फिर नोट्स बना लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जॉन मगुफली ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, तंजानिया। जोंग मंगुफली ने तंजानिया का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था वहां का चुनाव जीत लिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, तंजानिया। अब तंजानिया के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखो सबसे पहले ये साउथ ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मैप है, और यहाँ पर है ये जो शेडेड पोर्शन है सारा ये है तंजानिया। ये इधर देखिए जूम करके देखते हैं, ये तंजानिया है। तंजानिया की कैपिटल क्या है? डोडोमा, ये इधर कैपिटल है। और इसकी बाउंड्री ये इंडियन ओशन से लगती है, याद रखिएगा ये कोस्टल कंट्री है। और यहाँ पे एक लेक विक्टोरिया है, लेक विक्टोरिया उजेंडा केनिया, और ये लेक और सॉरी यहाँ पे तंजानिया है, इन तीनों देशों में लेक विक्टोरिया की बाउंड्री टच होती है। ये इधर एक और लेक है, नाम क्या है इसका? नाम है लेक तंगानिका। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लेक तंगानिका ये कहाँ पर स्थित है, तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। और देखो एक बात और, ये मैप देखिए आप, यहाँ पर इक्वेटर पास हो रहा है, इस इक्वेटर को एक रिवर ऐसी है यहाँ पर जो 2 बार कट करती है, क्या नाम है इस रिवर का? इस रिवर का नाम है कोंगो। ये रही देखिएगा। अच्छा ये बताइए, अब यहाँ पे अफ्रीकन में हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में आपने सुना होगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसमें 4 देश आते हैं, क्या इन चारों देशों में हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्या ये तंजानिया आता है या नहीं? तो ये नहीं आता है, क्योंकि इसमें 4 देश आते हैं। कौन कौन से? एक तो सोमालिया, इथोपिया, इरिटेरिया और डिजिबुती। फिर से बोलता हूँ, डिजिबुती, इरिटेरिया, इथियोपिया और सोमालिया, ये 4 देश को मिलाकर ये ग्रुप बनता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था तंजानिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर कितनी क्षमता का रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो देखो इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर पे राजस्थान में 8,000 मेगावाट का ये जो रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है इसको सेटअप किया जाएगा। ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये लोकेशन इम्पोर्टेंट है। ये पाकिस्तान है और ये भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। देखते हैं, गुजरात की सीमा टच होती है, राजस्थान की सीमा टच होती है, पंजाब की सीमा टच होती है, और इधर ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों की बाउंड्री भी पाकिस्तान के साथ टच होती है। देखो ये नया जो पॉलिटिकल मैप है भारत का वही है, तो याद रखिएगा टोटल मिलाकर 5 हैं, यूटी और स्टेट दोनों को मिलाकर। अब इसमें 3 तो हैं आपके राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, और 2 हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनकी सीमा पाकिस्तान के साथ टच होती है। तो अब इस क्वेश्चन में बात हुई है राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रही आपके सामने। देखो ये इम्पोर्टेंट है, ये सारा जितना भी डाटा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसका नोट्स बना लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? देखो अभी रिसेंटली राजस्थान की सरकार ने एक लॉ बनाया है जिसको मास्क है ये ना फेस मास्क, इसको मैंडेटरी किया जा सके, अब लॉ बना दिया गया है, तो राजस्थान में अब ये मास्क पहनना अनिवार्य है। और याद रखेगा राजस्थान की सरकार ने ही अभी एक और फैसला लिया है कि फायर क्रैकर्स और फायर वर्कर्स उनकी दोनों की सेल वहाँ पे बैन लगा दिया गया है। मतलब अब यहाँ पर जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि ये जो फायर क्रैकर्स हैं इनसे टॉक्सिक गैस निकलती हैं जिसका रेस्पिरेटरी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो अब फायर क्रैकर को बैन कर दिया गया है राजस्थान में भी। याद रखेगा राजस्थान के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश की कैबिनेट में भारतीय मूल की मंत्री बनी है? तो ये बनी है न्यूजीलैंड में। देखो न्यूजीलैंड में नाम क्या है? नाम है प्रियंका राधा कृष्णा, और ये भारत के केरला से हैं, ये इंडियन ओरिजिन की हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड की जो कैबिनेट है वहाँ पर ये मंत्री पद संभाला है, मिनिस्टर बनी है वहाँ पर ये। अब बात हुई है न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की लोकेशन देख लेते हैं, ये न्यूजीलैंड की लोकेशन है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? इसकी जो कैपिटल है ये है ये वेलिंगटन, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री का नाम है जैकिंडा अर्डन। फिर से बोलता हूँ, जैकिंडा अर्डन, और नेशनल स्पोर्ट है यहाँ का न्यूजीलैंड का रग्बी। याद रखेगा इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अच्छा एक बात बताइए, ये यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया और नीचे है ये तस्मानिया, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक स्ट्रेट है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बास स्ट्रेट। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच कौन सी स्टेट पड़ती है, तो ये पड़ती है बास स्टेट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रितु फोगट किस खेल से संबंधित हैं? रितु फोगट इज एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट? क्रिकेट, टेनिस, रेसलर या बैडमिंटन? तो देखो ये रेसलर हैं। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि अभी हाल ही में MMA, क्या है ये, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप को इन्होंने लगातार तीसरी बार जीत लिया है, और ये जो चैंपियनशिप है ये भी रिसेंटली सिंगापुर में आयोजित हुई थी, याद रखिएगा। और ये रितु फोगट ये इंडियन रेसलर हैं जो कि हरियाणा से बिलोंग करती हैं, भारत के हरियाणा से। अब बात हुई है इसमें सिंगापुर की, तो सिंगापुर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो सिंगापुर की आप लोकेशन देखिए, यह है सिंगापुर। सिंगापुर की जो कैपिटल है, कैपिटल क्या है इसकी, कैपिटल है सिंगापुर सिटी, और यहाँ की करेंसी क्या है, करेंसी है सिंगापुर डॉलर। प्रेसिडेंट का नाम बताइए, प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब, हलीमा और याकूब। अब यहाँ के जो पीएम है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री है ली सिंह लोंग, फिर से बोलता हूँ ली सिंह लोंग। अच्छा ये तो है सिंगापुर और ये है मलेशिया, इन दोनों के बीच में एक काफी इम्पोर्टेंट स्टेट है ये, यहाँ पर नाम है इसका ये, इधर स्टेट ऑफ मलक्का। एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेट ऑफ मलक्का कहाँ पर है, तो ये सिंगापुर और मलेशिया के बीच में है। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, रीयूनियन आइलैंड के बारे में आपने सुना होगा, रीयूनियन आइलैंड काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। ये बताइए ये किस ओशन में आता है, ऑप्शन देता हूँ, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन या फिर साउथ अटलांटिक ओशन? तो ये आता है इंडियन ओशन में, ये इधर पड़ता है, रियूनियन आइलैंड जो इंडियन ओशन में स्थित है। तो ये था हमारी आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन, फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।